Hi guys, what is up? Back to the gym और अभी बज रहे हैं शाम के ऑलमोस्ट 8 बजने वाले हैं, 5-10 मिनट 8 बजने के लिए। और आपको बताऊँ अभी ये जो पूरा ट्रेंच हो गया है, बट ये स्वेट में ट्रेंच नहीं हुआ है, ये टोटली पानी से भीग गया है। तो मेरे कहने का मतलब है, बाहर बहुत तेज़ बारिश हो रही थी, तो मैं जब घर से निकला तब तो बारिश नहीं हुई, लेकिन रास्ते में बहुत तेज़ बारिश ने पकड़ लिया। उसके बाद अराउंड 30 मिनट रुकना पड़ा, बहुत ज़्यादा भीग के हम, बट स्टिल बारिश आ जाए चाहे आंधी आ जाए, किसी चीज़ के लिए भी मतलब एक्सक्यूज़ नहीं होना चाहिए। जिम आने से हमें कोई चीज़ रोक नहीं सकती है। आज संडे है बट स्टिल हम आ गए हैं। सो आपसे एक बात कहनी थी, मन तो वैसे कर नहीं रहा था जिम आने का, सो रहा था आफ्टरनून में लंच वंच करके, तो उसके बाद लेकिन जैसी आँख खुली फिर मन तो कर नहीं रहा था आने का, तो सोचा कि एक बार चल लेते हैं, एक बार चल पहुंच जाएंगे उसके बाद जिम, तो फिर क्या एक्सक्यूज़ रहेगा, राइट। और वैसे आज मुझे शोल्डर्स करने हैं, तो पार्ट टू ऑफ द शोल्डर्स, तो जिम पहुंच गए हैं भीगते हुए, लेकिन लेट्स गो और शोल्डर्स करते हैं, राइट। और जो भी एक्सरसाइज रहेंगी जैसा भी रहेगा आपके साथ शेयर करेंगे थ्रू आउट द प्रोसेस, ट्रेनिंग प्रोटोकॉल, लेट्स गो फॉर इट। उससे पहले एक वार्म सेट लगाएंगे, एक ऑलरेडी लगा चुका हूँ, तो एक और वार्म सेट लगेगा और उसके बाद वॉकिंग सेट स्टार्ट करेंगे। तो दो वार्म सेट इन टोटल और 4 रेगुलर सेट्स, वॉकिंग सेट्स, सो लेट्स गो फॉर इट। Yeah, so completed with the first exercise, which was the lateral raises, already done. Next exercise पे jump कर रहे हैं, जो कि है seated dumbbell presses, Arnold presses भी कुछ लोग कहते हैं। तो eventually, through जितना training अभी किया है, ये जो मैंने last video में जैसे आपसे कहा था कि 16 weeks का मैं ये जो training protocol है follow कर रहा हूँ, तो बस आ गया, तो क्योंकि आवाज़ आएगी नहीं। सो उसमें क्या था, जो 16 वीक से जो ट्रेनिंग कर रहा हूँ उसमें जितने भी एक्सरसाइजेस थे शोल्डर्स के, बिकॉज मैं वीक में 2 टाइम शोल्डर्स को ट्रेन कर रहा हूँ, बिकॉज दैट्स द वीकेस्ट पार्ट इन द बॉडी, अपर बॉडी पे, तो उस पर काफ़ी काम चल रहा है और चेस्ट पे भी चल रहा है। तो शोल्डर्स में एक ग्रेजुअल स्ट्रेंथ इंक्रीज हुई है,
जिसकी वजह हो सकती है कि मैं 2 बार वीक में ट्रेन कर रहा हूँ और काफ़ी सही ट्रेन कर रहा हूँ, मतलब काफ़ी स्ट्रांगली। तो अभी आरओ प्रेसेस लगाते हैं स्टार्टिंग विद 17.5 किलोज दोनों हाथों पे, तो लेट्स सी हाउ इट गोज और बाकी बात बात करते हैं। उसके साथ 11 रेप्स, आई थिंक 12, 10, 11, 12 जो भी है। और अगर आपको ये जिम अच्छा लग रहा है तो आपको बता दूँ ये है कल जिम राजा जी नगर महालक्ष्मी बेंगलुरु में पड़ता है ये। काफ़ी अच्छी फैसिलिटी है, सारे इक्विपमेंट्स एकदम आला किस्म के, बहुत बेस्ट क्वालिटी, टॉप ऑफ द लाइन इक्विपमेंट्स, हैमर स्ट्रेंथ, लाइफ फिटनेस, इंसिग्निया सीरीज, यू जस्ट नेम इट, वी हैव इट हियर। तो काफ़ी हमारी सही सा जिम है, तो थोड़ा सा जिम को देखो आप और बाकी बात बातें करते हैं। आराम से 8 रेप्स गए और आपको बताऊं करीबन 3 हफ्ते पहले जो शोल्डर की एक्सरसाइज करता था उसे मुझे 25 के प्रेसेस नहीं लगते थे, तो ये एक अच्छा ग्रेजुअल और सही इम्प्रूवमेंट है, मतलब स्लो एंड यू नो स्लोली प्रोग्रेस कर रहा हूँ। तो मज़ा भी आ रहा है, देखने में मज़ा आ रहा है, दिखाने में मज़ा आ रहा है। तो अभी 25 से किया और ये मेरे अभी 3rd सेट था, 4th सेट भी मैं 25 से ही करता था, लास्ट वीक मैंने 25 से किया था, क्योंकि मैं सारे अपने जितने भी वो है रिकॉर्ड जो भी लॉक करके रखता हूँ वर्कआउट कितने रेप्स के क्या है, तो अभी मैं ट्राई करता हूँ 27.5 या 30 किलो से, सो दैट वुड बी माय पीआर। हाँ बाय द वे लेट्स गो।
सोलो सेल्फ पे दो भैया ने स्पॉट कराए, गुड वन, गुड वी हिट पीआर। ऑलराइट गाइस, दो एक्सरसाइज हो चुकी है, लैटरल रेजेस, डंबल सीरीज प्रेसेस, और अब तीसरी पे जा रहे हैं। अगेन लैटरल रेज है लेकिन वो केबल के साथ है, तो अगर आप सोचते हैं या फिर कोई भी अगर सोचता है कि भाई डंबल में करने, डंबल लैटरल रेजेस करने में और केबल के साथ लैटरल रेजेस करने में क्या डिफरेंस है, तो बता दूँ रेजिस्टेंस का पूरा गेम है, बाकी और ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है। तो अगर आप फॉर एग्जांपल अगर आप 7.5 या 10 किलो से अगर आराम से कर लेते हैं, जैसे कि आपने देखा होगा कि मैं मतलब काफ़ी ईजिली कर पा रहा था, वहीं अगर मैं 10 किलोज़ के साथ में अगर मशीन में करता हूँ जो कि केबल्स में लैटरल रेजेस करता हूँ तो काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो वो आपको दिख जाएगा क्योंकि अगेन मैं जैसे कह रहा हूँ नेगेटिव रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा लगता है। तो लेट्स गो फॉर इट, थर्ड एक्सरसाइज लैटरल रेजेस केबल के साथ। उसके साथ में किया है लेकिन उसमें भी हवा टाइट फर्स्ट सेट डन। ऑलराइट गाइस, दो सेट मैंने कर चुका हूँ, एक रिकॉर्ड नहीं किया, थर्ड सेट पे वो भी लैटरल रेजेस के जो कि होगा फेलियर तक, तो टिल फेलियर तक जाएंगे और वेट लगा के रखा है 5 किलोज। सो 5 ही किया है मैंने, फर्स्ट सेट 5 किलोज के साथ 20 रेप, देन आई नो नॉट सॉरी 20 नहीं 12-13 रेप्स किए, सेकंड मैंने 15 रेप्स किए, अभी थर्ड वाला कर रहा हूँ सेम 5 किलो के साथ में, लेकिन फिर भी एरिया तक जाएंगे। तो लेट्स सी कैसा था कि इसके बाद जो एक्सरसाइज कर रहा हूँ वो दो एक्सरसाइज का कॉम्बिनेशन है, सो वी गोना डू द सुपर सेट्स, सो लेट्स गो फॉर इट। मैं भूल गया, लैटरल रेजेस, शोल्डर प्रेसेस, अगेन केबल के साथ लैटरल रेजेस, आई थिंक तीन चार एक्सरसाइज कर लिए हैं, और जो अभी एक्सरसाइज कर रहे हैं ये सुपर सेट है, कॉम्बिनेशन ऑफ टू एक्सरसाइजेस विच आर, एक तो रहेगा फेस पुल्स जो कि मेरे ट्रैप्स के लिए रहेगा, मिड बैक के लिए रहेगा, अपर बैक के लिए रहेगा, मिड सेक्शन जो है, और द अदर वन वुड बी बाबेल अपराइट रो। अब कुछ लोग कहते हैं कि जिनको बाबेल
अपराइट रो से प्रॉब्लम है, काफ़ी रिस्ट में काफ़ी प्रॉब्लम आती है बट, और काफ़ी लोग क्या पता नहीं क्या कहते हैं कि बैन होगी एक्सरसाइज, आई डोंट नो कौन बैन कर रहा है भाई, कौन सा कमिटी है, कौन सी एसोसिएशन है बैन कर रही है। तो मैं तो करता हूँ, मुझे सही लगता है और मेरे ट्रैप्स के लिए काफ़ी मतलब प्रूवन एक्सरसाइज है, तो मैं वो करता हूँ। और चलो फिर लगाते हैं, फिर बात करते हैं। ट्राईपॉड नहीं है तो देखो आप कैमरा को जुगाड़ करना पड़ता है भाई, कहाँ कहाँ लगाना पड़ता है, और ये एक लेवल मिल नहीं पा रहा है प्रॉपर, तो इसीलिए मशीन पे ऐसे लगा कर बात कर रहा हूँ। तो अब बात तो मुद्दे की यही रहेगी कि भाई मैं झगड़ा, तो बात ये है कि ऑलरेडी वर्कआउट हो चुका है पूरा, तो हमने आज किया पार्ट टू ऑफ आर शोल्डर एक्सरसाइजेस, जिसमें हमने स्टार्टिंग किया था सीटेड लैटरल डंबल रेजेस से, देन सीटेड डंबल ओवरहेड प्रेसेस, देन केबल लैटरल रेजेस, उसके बाद ख़त्म किया है दो सुपरसेट लगा करके एक्सरसाइज का कॉम्बिनेशन ऑफ टू एक्सरसाइजेस, जो कि था अपना फेस पुल्स और अपराइट रो। तो वर्कआउट हो चुका कंप्लीट और ऑलरेडी थोड़ा सा पंप आ रहा है, तो अब जा रहे हैं ट्रेडमिल वॉक के लिए, 10 मिनट कार्डियो करेंगे, कूल डाउन करेंगे बॉडी को, उसके बाद घर चलेंगे। तो आपसे एक ज़रूरी बात करनी है, तो वो मैं कार्डियो जोन में जाके आपसे बात करता हूँ, ठीक है, लेट्स सी। वर्कआउट हो चुका है कम्प्लीट, जिसमें हमने अपने शोल्डर्स किए और साथ में कूल डाउन के लिए कार्डियो कर लिया 10 मिनट तक। तो जो इम्पोर्टेंट बात है मुझे आपसे कहने की, वो ये है कि बिल्कुल मन नहीं कर रहा था संडे, टू बी ऑनेस्ट रियली आने का मन नहीं कर रहा था, लेकिन फिर भी मैंने अपने आपको पुश किया कि भाई जो एक गोल सेट किया हुआ है वो गोल अचीव करना है, तो वही करना तो पड़ेगा, तो एटलीस्ट जिम चलते हैं, उसके बाद क्या बहाना रहेगा ना। तो जिम आ गए और संडे को तो सारे जिम ऑलमोस्ट बंद रहते हैं, बट ये जो जिम है कल्ट का जो जिम है ये 7 days ओपन रहता है। तो मैं यहाँ पे आया, काफ़ी सही फैसिलिटी, इसकी वाइब बहुत सही लगी मुझे, मतलब पहले भी आ चुका हूँ, सेकेंड टाइम आज आया हूँ, आज ब्लॉग भी बनाया, तो काफ़ी सही जिम है, वाइब, एम्बियंस, इक्विपमेंट्स, स्टाफ, हाई जिम लेवल, मतलब जो भी कहो सब ए ग्रेड है।
मेरी तरफ से कोई प्रॉब्लम, मतलब मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं थी। सेकेंड चीज़ जो मुझे कहनी है, जो काफ़ी लोग मुझे पूछते हैं, बींग इन एन एविएशन इंडस्ट्री, आप टाइम कैसे निकाल लेते हो पवन, आप टाइम कैसे निकाल लेते हो वर्कआउट करने का, जिम जाने का, इतना मतलब आपके अंदर से ही जोश कैसे आता है? तो बहुत ही सिंपल सा आंसर है, मेरे को हंसी भी आती कभी कभी। प्रायोरिटाइज योर थिंग्स, अपनी चीज़ों को आप प्रायोरिटाइज करोगे तो हर काम ईजी होगा। अपनी चीज़ों को स्केड्यूल करोगे, लाइफ में थोड़ा डिसिप्लिन लाओगे, हर चीज़ मुमकिन है। चाहे आप मुश्किल से मुश्किल एक जॉब में भी क्यों ना हो, मुश्किल से मुश्किल काम ही क्यों ना कर रहा हो, आपका अपनी जो प्रायोरिटी है, अपना पैशन है, उसके लिए टाइम निकल ही जाएगा अगर आपने कुछ सोचा है लाइफ में। तो मेरा पैशन तो फिटनेस है ऑब्वियसली, तो उसके लिए तो ऑब्वियसली टाइम तो निकलेगा ही निकलेगा ना, क्यों नहीं। तो अगर आपको और चीज़ें जाननी है मतलब मेरे बारे में कि मैं कैसे स्केड्यूल करता हूँ, मेरा जो एविएशन में काम करना इतना टाइट स्केड्यूल रहता है, उसके साथ भी मैं कैसे मैनेज करता हूँ, तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा, एक वीडियो अलग से बनाएंगे उसके लिए। और उसके अलावा अगर आपको वीडियो सही लगी है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, फिटनेस वीडियो, फिटनेस ब्लॉगिंग में। टिल देन पीस आउट, बाय बाय।